और एक बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने तिहाड़, मांडोली और रोहिणी जेलों में सीसीटीवी लगाने के 120 करोड़ रुपए के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। ये कदम जेलों में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के आरोपों के चलते और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। मिलन हमारे साथ जुड़ रही है और जानकारी लेकर। मिलन, काफी रिपोर्ट्स आए थे कि तिहाड़ जेल के भीतर कुछ कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, अब सीसीटीवी लगने से क्या ये समस्या सुलझ जाएगी, क्या बता रही है सरकार? दिल्ली सरकार ने कहा है कि 120 करोड़ का ये कैबिनेट डिसीजन जो उन्होंने लगाया है सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए तिहार और रोहिणी जेलों में, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से जो जेल में अपराधी हैं वो ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे थे। ये सारी प्रपोजल जो है अभी टेस्टिंग और कमीशन सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम के थ्रू की जाएगी, और यहाँ पर जो प्रपोजल है उसका अप्रूवल और सैंक्शन आज दिल्ली सरकार ने दे दिया है। 120 करोड़ की कॉस्टिंग लगेगी इसमें, और जिसमें से 73 ऐसे आईपी सर्वेलेंस कैमरास लगेंगे, और भी काफी सारी डिटेल्स हैं इसमें, एक्टिव कनेक्टिविटी के लिए और जो फाइबर केबल लगाने के लिए जो है उसमें टेंडर फ्लोट किया जाएगा, इस तरीके से सीसीटीवी सर्वेलेंस से चेक किया जाएगा कि तिहार जेल में जो अपराधी हैं वो किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं। हाल ही में मेरा नाव ने दिखाया था कि कैसे बिल्डर्स या जो अपराधी हैं जिनको तिहार जेल में ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने को मिल रहा है, वहां पर इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और फ्रिज, एसी, डोरमैट्स, ऐसी चीजें बरामद हुई थी एक इंस्पेक्शन के बाद। जी मिलन, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।